नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और बात सबसे पहले लोकसभा चुनाव की करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है। सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों के लिहाज से। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला राजमार्ग यूपी से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। एनडीए 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जोर लगा रहा है। बीजेपी अब तक 64 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी 40 से ज्यादा सीटों पर अपने चेहरे घोषित कर दिए। अब मायावती ने भी 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी मुस्लिम वोटर वाली सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब सवाल यह है कि इसके मायने आखिर हैं क्या? वेस्ट यूपी में बीएसपी किसका गेम बिगाड़ सकती है, या फिर क्या हाथी की चाल एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को ही दर्द देगी? हर सवाल का संपूर्ण विश्लेषण के साथ जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, जिसके बारे में कहा जाता है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और एक महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, उनमें से 9 यूपी से ही आते हैं, जो राज्य हिंदी हार्टलैंड का केंद्र बिंदु है। जिस राज्य का देश की सर्वोच्च सत्ता से सीधा वास्ता है, वही उत्तर प्रदेश 24 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुका है। चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से, वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। लोकसभा की 80 सीटों के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। कमल वाली पार्टी कहती है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। साइकिल वाले समाजवादियों के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच हाथी ने भी अपनी चाल चल दी है। मायावती ने यूपी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं, इनमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मायावती वेस्ट यूपी में किसका खेल बिगाड़ेंगी? बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट के मायने क्या हैं? इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले उन 7 चेहरों को जान लीजिए जिन्हें मायावती ने यूपी में हाथी की रफ्तार बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। सहारनपुर से माजिद अली, मुरादाबाद से इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खान, संभल से शौकत अली, अमरोहा से मुसाहिद हुसैन, आंवला से आबिद हुसैन और पीलीभीत से अनीश अहमद, ये वो 7 मुस्लिम चेहरे हैं जिन्हें बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे पहले बात सहारनपुर की। सहारनपुर सीट पर बीएसपी का कब्जा है। बीएसपी के फजलुर रहमान मौजूदा सांसद हैं। इस बार मायावती ने माजिद अली को उम्मीदवार बनाया है। माजिद अली ने 2017 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर यूपी की उन 16 सीटों में से एक है जिन पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर मुस्लिम बहुल इलाका है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख दलित, 1.5 लाख गुर्जर, 3.5 लाख सवर्ण के अलावा अन्य जातियों के भी वोटर हैं। इस सीट पर सियासी खेल बिगाड़ने और बनाने में मुस्लिम वोटरों का अहम रोल रहता है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी, लेकिन वो 5 साल पहले की बात है। 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। गठबंधन के नाते ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी, लेकिन इस चुनाव में दोनों की राहें अलग अलग हैं, जबकि आरएलडी एनडीए का हिस्सा हो चुकी है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के तहत सहारनपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर इमरान मसूद पर दांव लगा सकती है। 2019 में इमरान मसूद 2 लाख वोट के साथ किसी तरह अपनी जमानत बचा पाए थे। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से किसे नफा और किसका नुकसान हो सकता है।
देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात को पहले ही कह चुकी है, 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वो बसपा में आघोषित गठबंधन था और वो गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी है। जिस तरह से बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां विपक्ष मजबूत है, उन क्षेत्रों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे वोट कटवा प्रत्याशी उन मैदान में उतारा जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए बसपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। मायावती जी जिस प्रकार की राजनीति वो करती आ रही हैं उसी क्रम की राजनीति ये है, वो वही वोट बैंक की राजनीति। कुछ उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशी खड़े किए हैं, कुछ अन्य वर्गों के प्रत्याशी खड़े किए हैं। और हमारा ये कहना है प्रारंभ से ही कि माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर दो चीज़ें बहुत बड़ी की हैं। एक तो राजनीति का जो अपना घर भरने का जो एक स्वभाव बना हुआ था, उपभोग का स्वभाव बना हुआ था, उसको बदल के उन्होंने राजनीति को सेवा के साथ जोड़ा है, सत्ता को सेवा के साथ जोड़ा है और उसके परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये किया है जो बहुत बड़ा काम हुआ है कि वोट बैंकिंग राजनीति को उन्होंने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से उसको ध्वस्त किया है, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। आज सभी वर्गों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। मायावती जी हों या अखिलेश जी हों या अन्य कोई दल हों, हम अपने हिसाब से, अपने सोच के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीएसपी के विरोधी भले ही इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताएं, लेकिन वेस्ट यूपी के मुस्लिम वोटर पर बीएसपी के साथ ही समाजवादी पार्टी की भी मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने के फैसले से असर पड़ना तय है। बहुजन समाज पार्टी ने मजबूत मुस्लिम नेताओं को टिकट देके कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में चुनौती खड़ी कर दी है। और जिस तरीके से बसपा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है उससे साफ है कि इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से नुकसान का खतरा लग रहा है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया कि इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो जाए, लेकिन मायावती ने अकेला चलो की नीति अपनाकर साफ कर दिया कि वो सपा और कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है? जवाब ऐसे समझिए, 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर उसे हार मिली थी। इनमें से 10 सीटें बीएसपी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इनमें से गाजीपुर, मऊ की घोसी, आजमगढ़, लालगंज और जौनपुर लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं, जबकि बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और सहारनपुर सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं और बीएसपी ने इन 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस बीएसपी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन मायावती शुरू से ही कहती रही कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। सवाल ये उठता है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीएसपी की राजनीति के पन्ने पलटने होंगे। 2014 में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा था, लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं पाए। 2019 में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। बीएसपी को 10 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में बीएसपी विरोधियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, इसे ऐसे समझिए। मुरादाबाद से बीएसपी ने इरफान सैफी को उतारा है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद हैं। अमरोहा में मायावती ने मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार ये सीट बीएसपी ने ही जीती थी और इस बार समाजवादी पार्टी ने ये सीट कांग्रेस को दी है। यहाँ से सांसद चुने गए दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट दिया है। आंवला से बीएसपी ने सैयद आबिद को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां से पूर्व विधायक नीरज मौर्य को उतार चुकी है। यानी दोनों पार्टियों ने अलग अलग समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है और यहां से बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। ये भी अपने आप में एक अलग संकेत देता है। इसी तरह पीलीभीत जो वरुण गांधी की सीट है, यहां से समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है।
और बीएसपी ने मुस्लिम समाज के अनीश अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है। मायावती की ये रणनीति कई लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये मायावती और अखिलेश यादव का कोई नया सियासी प्रयोग है? मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम कर रही है। अब सोचिए कि उन्होंने सहारनपुर में उम्मीदवार अल्पसंख्यक दिया है, रामपुर में अल्पसंख्यक दिया है, पीलीभीत में अल्पसंख्यक दिया है। ये सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें अगर अल्पसंख्यक थोड़े थोड़े वोट भी काटेगा तो वह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो जाएगी। वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए राहत इतनी है कि पिछले कुछ सालों के दौरान यूपी में बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिरता रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 27.4% वोट मिले थे। 2014 में ये घटकर 19.8% पर पहुंच गया। 2019 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन के बावजूद बीएसपी को 19.4% वोट मिले। इसके अलावा 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा। बीएसपी का वोट शेयर घटकर 12.8% तक पहुँच गया था। मौजूदा वक्त में बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक है और 2019 में जीते सांसदों का भी मोह भंग हो रहा है। कई सांसद बीएसपी छोड़ चुके हैं। बावजूद इसके मायावती के पास यूपी के 22% दलितों का वोट बैंक है, जिसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तक अपने पाले में करना चाहते हैं। यूपी का 22% दलित समाज दो हिस्सों में बटा है, एक जाटव जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा गैर जाटव जो 10% है। मायावती जाटव समुदाय से आती है जिसे बीएसपी का हार्डकोर वोटर माना जाता है। देखिए, यूपी के बाद अब बात देश के एक और बड़े सियासी सूबे बिहार की करते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने सभी 17 तो जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अधिकतर उम्मीदवार रिपीट किए गए हैं। सिर्फ सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर और किशनगंज में नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में इंडिया अलायंस में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के बीच लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने 400 पार का नारा लगाया था और ठीक 3 हफ्ते बाद बीजेपी के टारगेट 400 प्लस के लिए अपने पत्ते खोल दिए। गठबंधन में जेडीयू को बिहार में 16 सीटें मिली हैं। सभी 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लोकतंत्र का महापर्व का विपुल बन चुका है और आज आप सबों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम सबों के जो पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें जो हमारे हिस्से के जो सीट है उस सीट का उम्मीदवारी उन्होंने तय कर दिया है। पटना में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। ज्यादातर सीटों पर पुराने ही उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। सिर्फ सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर और किशनगंज में नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। सीवान से विजयलक्ष्मी देवी को कैंडिडेट बनाया गया है। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, शिवहर से लवली आनंद और किशनगंज से मुजाहिद आलम को टिकट गया है, जबकि दो मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। जेडीयू की लिस्ट में 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 1 महादलित, 1 मुस्लिम, 3 सवर्ण समाज को टिकट दिए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं।
बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी और एक एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना, सबकी जीत की गारंटी है। 2019 के चुनाव में भी नीतीश कुमार एनडीए के ही साथ थे, तब एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2019 में बिहार में एनडीए को कुल मिलाकर 54.34% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी और एलजेपी ने अपनी सभी सीटें जीती थी। जेडीयू को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार एनडीए का मुकाबला कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया अलायंस से है, लेकिन नामांकन से पहले ही बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जितनी सीटें हमारे पास 2019 में थी उससे कम हम नहीं लेंगे इस बार, और नहीं लेंगे तो फिर समझौते के बारे में सोचेंगे कि आफ्टर ऑल ये समझौता जो है वो किसी आधार पर बेस्ड है, और वही आधार माना नहीं जा रहा है तो फिर समझौते का मतलब क्या हुआ? कि अगर जो हमारे साथ गठबंधन टूट गया तो इसका ज़्यादा असर पड़ेगा उन पर बनिस्बत हमारे। कांग्रेस की ये बेचैनी लाजमी है, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे के साझा ऐलान का इंतजार एक एक दिन कर आगे बढ़ रहा है। असल में आरजेडी भी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है, जिस पर आरजेडी ने बिहार की 40 में से 13 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं बिहार में महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल ने आरा, काराकाट, नालंदा सीट, सीपीएम ने खगड़िया सीट पर उम्मीदवार उतारा है, तो एक और वामपंथी पार्टी ने सीपीआई बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के इसी कदम ने कांग्रेस की तैयारियां चढ़ा दी हैं। कांग्रेस से पटना और दिल्ली के दफ्तर में बैठे नेता भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी जिद ठान बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया है। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता।